क्या स्पेशल है ये आपको आगे आगे आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, मतलब जो ब्लॉग कंटिन्यू होगा उसमें पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। अगर आप लोग कंटिन्यू करोगे तब आपको पूरा पता चल जाएगा कि बात क्या है, तो आप लोग ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, डेकोरेट देखी जाएगी आगे, डेकोरेट। हाँ, अभी हम लोग थोड़ा सा डेकोरेशन करने वाले, वैसे डेकोरेशन कुछ मिल नहीं रहा है, लॉकडाउन पता ही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, सारी चीज़ें कुछ नहीं मिल रही है, बस जो चीज़ें घर में थी उससे हम लोगों ने थोड़ा बहुत कंट्रेशन किया है और उसी से हम लोग काम चलाने वाले हैं, नहीं है ना? और देखो नीचे खाना भी अच्छा, तो आप आगे देखना क्या होगा। ओके, ये जो केक है ये बन करके तैयार हो गया है और इसको मैंने ना कुकर में बनाया है और बहुत ज़्यादा फ्लफी नहीं हुआ है, थोड़ा सा और होना चाहिए था, तो इसे स्कूप की हेल्प से इसको कटिंग किया जा रहा है, इसका आँख बनाया जा रहा है, नाक बनाया जा रहा है, तो ये दिया कर रही है और डेकोरेशन का काम वो कर रही है। केक मैंने बना दिया था, उसने भी हेल्प किया था, हम दोनों ने मिलकर बनाया था। और ये जो केक है ये बिस्किट का बना हुआ है, इसमें मैंने बिस्किट दो पैकेट मैंने पार्ले जी लिया था बड़ा वाला और एक पैकेट मैंने ओरियो लिया था, तो इस वजह से ये ब्लैक हो गया है ओरियो की वजह से। इसके ऊपर चॉकलेट मंच जो है वो क्रश करके डाल रही हूँ क्योंकि डेकोरेट करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो इसके ऊपर चॉकलेट को क्रश कर रही हूँ और उसके ऊपर बस जेम्स लगा देना है और केक हो जाएगा, बहुत ही सुंदर सा केक हो जाएगा रेडी लॉकडाउन में। और कर भी क्या सकते हैं, घर पे जो बन सकता है, घर पे जो अवेलेबल हो सकता है उसी से कुछ कर सकते हैं, तो हम लोगों ने ये छोटा सा तैयार किया है। केक बनने के बाद हम लोग बैठ गए डिसाइड करने के लिए हम लोग कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो वही हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे बुलाया जाएगा, क्या किया जाएगा, सारा चीज़। मतलब होता है ना, बच्चे लोगों को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, मुझे भी इन्हीं सब चीज़ों में मज़ा आता है, मुझे बड़ों के साथ बैठने में मज़ा नहीं आता, तो मैं भी। और कान्हा को ना रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, वो समझ ही नहीं रहा था कि अभी नहीं बताना है, तो उसको बहुत मुश्किल से रोका गया था, बहुत मुश्किल से। हम लोग की सारी तैयारी हो गई है। किस चीज़ के लिए? बर्थडे के लिए। किसके बर्थडे के लिए? धीरे से बोलना। किसके बर्थडे के लिए? बुआ के बर्थडे के लिए। हाँ, धीरे बोल रहा है ताकि कोई सुन ना ले, है ना? क्योंकि सीक्रेट है। सीक्रेट है, सीक्रेट है। तो बुआ को पता चल जाएगा। हाँ, है ना? और काना हम लोग के सीक्रेट में बहुत साथ दे रहा है ना, इतना छोटा सा बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है ना। ये प्यारा भाई है मेरा, प्यारा भाई ना, गंदा फेस बोलो, गंदा फेस, गंदा फेस, काना नहीं, गंदी बात, गंदी जिस गंदी बच्चे को काना चीज करो, क्या होना पे चीज, इंग ची उंगली निकाल, चीज करो, चीज उस जगह जगह लेके। हाय हाय। तो पूरी तैयारी हो चुकी है, 12 बजने में 5 मिनट हैं और सारा कुछ रेडी हो चुका है, तो देखना बच्चों की मस्ती देखिएगा कि बच्चे किस तरीके से खुश हैं। लाइट्स ऑन, 12 बज चुके हैं।
बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, बस केक को काट करके खा लेना है। और अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए जाएंगे। एक साढ़े बारह एक बज रहा है, थोड़ा सा घूमने के लिए जाएंगे, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। फिर मिलूँगी कल सुबह आप लोगों से, तब तक आप लोग मुझे याद कीजिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सबसे पहले बता दूँ, आज डे है फ्राइडे और डेट है 10th of April, 10 अप्रैल। और आज पता है रात हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था बर्थडे, तो आज है दीदी का बर्थडे, इसलिए आज बन रहा है कुछ स्पेशल, यानी कि छोले और भटूरे। तो मतलब भटूरे का आटा मैंने गूंद लिया है, छोले अभी मैं बनाऊँगी, और अभी टाइम हो रहा है 10, तो चलिए बनाते हैं जल्दी से भटूरे। रात में लेट सोती हूँ ना, इस वजह से सुबह में उठने में लेट हो जाता है और नाश्ते में भी लेट हो जाता है। तो अभी 10 के आसपास का टाइम हो रहा है, अभी मैं छोले बना रही हूँ। तो सबसे पहले पानी पीने के लिए गर्म किया, उसके बाद मैं छोले मैंने बनने के लिए रख दिया है। और प्याज मैं हमेशा प्याज इसी से क्रश करती हूँ, और टमाटर भी, तो सारी चीज़ जल्दी जल्दी। मैंने सोचा कि अगर छोला बना के रख दूँगी और मैदा गूंदना है, तो मैदा मैंने पहले गूंद लिया, छोला मैं बाद में बना रही हूँ। वैसे इस मैदे को छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती इस वाले भटूरे के मैदे को, लेकिन फिर भी मैं आधे घंटे पहले ही गूंद लेती हूँ, उसके बाद मैं छोले बनाती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जल्दी जल्दी इसे मैं छोले बना रही हूँ कि लेट ना हो जाए। और आज मैंने सोचा था कि मैं कपड़ा लगाऊँगी, कपड़ा धुलूँगी, बट आज नहीं धुलूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, कल देखूँगी। छोले भटूरे बनाने की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है, आप लोगों ने देखा हुआ है, बहुत बार मैं दिखा चुकी हूँ अपने वीडियो में, इसलिए इस बार मैं नहीं बताऊँगी मैं छोले भटूरे कैसे बनाती हूँ, नहीं तो आप लोग बोलो कि हर बार की एक ही चीज़ बार बार दिखाती है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है, और लिंक मैं कोशिश करूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। मेरा छोला बन गया है, आटा मैंने गूंद के रखा है, अभी किसी को खाना नहीं है इसलिए बनाना नहीं है, थोड़ी देर बाद बनाऊँ क्योंकि अभी सारे बच्चे उठे नहीं हैं, सो करके। और अब मैं आ गई हूँ भटूरे बनाने के लिए, तो तेल गर्म हो चुका है और भटूरे अब मेरे फूलते पहुँचाता है, पता नहीं अभी फूलेंगे या नहीं फूलेंगे, बोलने के बाद नहीं फूलते पर बहुत अच्छे फूलते हैं। तो देखिए ये मेरे भटूरे, और मैं छोटी कढ़ाई चलाती हूँ क्योंकि बड़ी कढ़ाई में तेल बहुत ज़्यादा लगता है, और बाकी जो बच जाता है वो दोबारा चढ़ाने से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसलिए मैं छोटी कढ़ाई चलाती हूँ। और ये मैं निकाल रही हूँ थाली दीदी की, आज उनका बर्थडे था इसलिए बनाया है छोले भटूरे, रात में देखूँगी क्या बनाऊँगी, अभी कुछ सोचा नहीं है क्योंकि कुछ मिलता भी तो नहीं है, क्या बनाना पता नहीं, पनीर वनीर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो अभी तो छोले भटूरे बना लिया है। और मिठाई में भी कुछ नहीं मिल रही,
क्योंकि सुधा का वर्कर वगैरह काम नहीं करते हैं तो कुछ मिठाई मिलती नहीं है, तो ये है थाली छोले भटूरे और साथ में प्याज। अचार लेना होगा तो ले लिया जाएगा, आप लोग भी टेस्ट करिए। पहले ये तो बता दो कि बर्थडे पार्टी थी किसकी? बुआ। तुमको पता है? हाँ, मैंने देखा था। तुमने देखा था? हाँ? कहाँ देखा था? यार तो तुम तो विश किया नहीं। मैंने तो विश किया था बहुत बार। बहुत बार किया था? हाँ? कब किया था? छह बार किया था। हाँ? कब किया था? जब बर्थडे पार्टी हुई थी। जब बर्थडे पार्टी हुई थी? क्या हुई थी बर्थडे पार्टी में? आप पार्टी किया गई था। पार्टी और मैं सारा फ्रूट खा रहा था। सारा फ्रूट खा रहा था? क्यों, दूसरे को भी देना चाहिए ना खाना, अकेले अकेले तो खाना नहीं चाहिए। अरे वो एक टॉफी था। एक टॉफी था, जेम्स था वो, जेम्स जेम्स खा रहे थे ना। जा पहले नहा के आओ जाओ। और मैं घुसेड़ लिया। हाँ? एक बार में मुंह में घुसेड़ लिया। हाँ। ऐसे क्यों खा गए तुम? अभी सारे लोगों का नाश्ता वगैरह हो चुका है, दिया लेट से उठी थी, इस रूम को दिया ने साफ किया, वो रूम अभी पड़ा हुआ है वैसे का वैसे ही, और बाहर भी हॉल भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक मैंने क्लीन किया नहीं है उसको, अभी करूँगी नाश्ता करने के बाद, क्योंकि सुबह से किचन में थी और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब करूँगी। तो ये वाला रूम का बेड वगैरह ठीक हो चुका है, दिया ने कर दिया था, और वो वाला रूम और बाहर हॉल बचा हुआ है तो उसको अभी करना है नाश्ता करने के बाद, और उसके बाद इस वीडियो की करनी है एडिटिंग, है ना। क्या हुआ? Yes. कुछ नहीं, पहले मैंने अपने बालों में ना गार्नियर वाला कलर कर लिया था जिससे मेरे बाल के कलर हल्के हो गए थे, और उसके ऊपर से मैंने खाटू से आने के बाद मेहंदी लगा ली, तो मेरे बाल के कलर जो है ना वो बहुत अच्छे, मतलब कि आ गए हैं जैसा मैं चाहती थी, रेडिश बिल्कुल वैसा कलर आ गया है मेरे बालों पे। कहाँ से ब्लैक दिख रहा है बता? ये क्या है? अच्छा बाकी पूरा रेड है ना? हाँ? बाकी पूरा रेड है ना? मेरे बाल का भी ब्लैक। झूठ बोलता है कुंडी, देखो मेरे भी ब्लैक। हाँ तुम्हारे तो ब्लैक है गाना, है ना, तुम्हारे तो ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है। तुम बम बम नहीं करोगे? देखो तुम्हारे भी तो ब्लैक है। मेरे ब्लैक नहीं है, मेरे रेड है। झूठ गए मम्मा। तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? कोरोना वायरस। क्या? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस है? तो स्कूल जाने में क्या दिक्कत है? अरे स्कूल कोरोना वायरस से बंद हो गया। बंद हो गया? किसने बताया ये? अरे वीडियो में दिखाता है। वीडियो में दिखाता है? हाँ। कहाँ? कोरोना वायरस नाम एक वायरस ने सबको बीमार कर दिया। कोरोना वायरस के नाम के एक वायरस ने सबको बीमार कर दिया है, यही बताता है? हाँ। कौन बताता है ये? भीम के वो। भीम बताता है, छोटा भीम है ना? हाँ छोटा भीम। अच्छा इसीलिए स्कूल नहीं जा रहे हो? बच्चे बच्चे को पता है कि ये क्या है, क्यों स्कूल बंद है, कहीं क्यों नहीं निकल सकते, लॉकडाउन क्यों है। मैं आ गई हूँ अब इस रूम का बेड सेट ठीक करने के लिए, क्योंकि अभी मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा चलो वैसे ठीक कर दे, बीच बीच में मुझे जैसे भी टाइम मिलता है मैं ठीक कर देती हूँ, और चादर में मैं गांठ मार के बिछाती हूँ, तो मैंने बहुत बार बता चुका है शायद आप लोगों को ध्यान में होगा कि मैं गांठ क्यों मारती हूँ, मैं आपको एक बार इस पर प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगी, अगर आप लोगों को पसंद आई ये आइडिया तो आप भी इससे कर सकते हैं। तो बेडशीट मैंने ठीक कर दिया है, पिलो रख के उसमें गंदे कपड़े पड़े हैं नीचे तो वो सारा हटाऊंगी इस रूम से, और ड्रेसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ है, कपड़े भी फैले तो कपड़े तो मैंने हटा दिए। हाँ हाँ आप तीनों लग रहे हैं गांधी जी के तीन बंदर। देखिए कान्हा कान बंद किया हुआ है, प्रांजल मुँह बंद किया हुआ है। प्रांजल आज का भटूरे नहीं अच्छा लगा? प्याज तीखी। हाँ। छोले भटूरे कैसा था? छोले भटूरे अच्छा था, उस दिन से स्वाद था। उस दिन से स्वाद था ना? हाँ। पता नहीं, दोपहर में खा लोगे फिर से? हाँ मैं तो खाऊंगा। मैगी आज तक नहीं। क्या करता है? अच्छा बच्चा ऐसे नहीं करते, कम जैसे तू करता है।
नाश्ते के बाद का मेरा किचन का हालत, सारा कुछ खाली तो हो चुका है बट साफ़ सफाई नहीं हुई है, ये भी करनी बाकी है। लेकिन मैं जा रही हूँ इस सोने के लिए। हेलो, तो हम लोगों का सारा नाश्ता वगैरह हो चुका है, सब कुछ हो चुका है और छोले भटूरे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। पता नहीं क्यों मुझे अपने भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं। एक मिनट, और कान्हा यहाँ पे बैठ के नहाया धोया है नहीं, और बैठ के यहाँ पे अपनी मूवी देख रहा है। और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे। और हम लोग का नाश्ता 1:30 बजे ख़त्म हुआ था, 2:30 बज रहे मैं सोने के लिए आई थी। मुझे नींद बहुत तेज़ आई थी क्योंकि रात में लेट से सोती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो नींद पूरा नहीं होता, इसलिए मैं सोने के लिए आई थी। मैं सोच चलो उसके पहले ना मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, फिर किसी काम में फंस जाती हूँ, फिर भूल जाती हूँ तो फिर आगे नहीं हो पाता है, वहीं पर वो स्टॉप हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को एंड कर देते। तो चलिए, आज का यही छोटा सा मेरा प्यारा सा व्लॉग है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो, बाय।